अंकिता जो हमारी बेटी जिसको जला दिया गया, उसके पिताजी से बात किया हमने, उसके दादाजी से बात किए, उसकी बड़ी बहन से बात हुई, उसके छोटे भाई से बात हुई और उसकी दादी से बात हुई। पूरी घटना को देखते हुए मन इतनी पीड़ा से भर जा रहा है। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति, जितनी सवाल उठ रहे हैं, अगर आप खुद भी जाकर के मीडिया बात करें उनके पिताजी से, तो बच्ची कहाँ सोई थी, कहाँ से उसका खिड़की खोला गया, कैसे पेट्रोल फेंका गया, कैसे उसमें सलाई मारी गई, कैसे टाइमिंग का पता चला होगा वो यहीं सोई हुई है, ये सारी चीज़ें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे ऐसा अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे। और निश्चित रूप से एक सवाल उठ रहा है कि जिसने ऐसा कांड किया है, जो जिसका नाम शाहरुख है, उसके सारे रिलेशंस को जांच में लाना ही चाहिए। निशिकांत दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का जो इशारा है, मुझे लगता है वो बहुत गंभीर है। ये घटना जरूर दुमका के एक छोटे से मोहल्ले में हुई है, लेकिन इसके तार बहुत लंबे दिख रहे हैं और आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह की घटनाएं। तो हम तो इतनी दूर से दिल्ली से चल के यहाँ निशिकांत दुबे जी के साथ आए हैं। हमें पता चला लुइस मरांडी जी यहाँ शुरू से, वो बता रहे हैं यहाँ के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो आकर के सांत्वना भी में भी खड़े हैं और साथ में हर लीगल लड़ाई लड़ने को खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि का, चुने हुए प्रतिनिधि का ना आना एक बड़ा इशारा करता है। जब मैं बात कर रहा था और उसकी दाद उसके पिताजी ने बोला, मेरा कलेजा फट गया है सर। वो कहते हैं मैं अपनी अंकिता को डोली में बिठा के विदा करने वाला था। जिस बेटी को, जिस बच्ची को डोली में बिठा कर विदा करना था, उसको अपनी आंखों के सामने जलता हुआ और मरता हुआ देखा। क्या इसकी गंभीरता को ये यहाँ की जो बेदर्द सरकार है समझ सकती है? मैं समझता हूँ हमने आज एक छोटा सा जरूर सहायता किया है निशिकांत दुबे जी के नेतृत्व में आह्वान पे, लेकिन हम इस परिवार के साथ पूरे समय खड़े हैं। और जब तक इन शैतानों को, इन अपराधियों को और इनके कड़ी को सबको सजा नहीं दिला लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं। अंकिता जैसी बहन को और ना हो, ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए क्या कुछ करना? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जांच इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जो निशिकांत दुबे जी जो बातें कह रहे हैं, जितनी उस सबके तह में जाना चाहिए। और यही नहीं कर रहे, ये तो इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, झारखंड के लोग की आवश्यकता है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। संसद में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि अगर कोई ऐसा घटना का अंजाम दे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले? पॉक्सो लग गया है जी। और पॉक्सो लगना, आप समझ लीजिए कि उसको फांसी की सजा तक जाना है। ऐसा विधेयक भी पास होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसा करे तो उसको सजा मिले। बिल्कुल, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसा कानून पास कीजिए सर, ताकि अगर कोई ऐसा करे तो उसको कड़ी से। पॉक्सो लग गया इसमें। बिल्कुल सर।